आज हम बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा डिजर्ट है, सभी को बहुत पसंद आता है और बहुत इजी है इसे बनाना। तो उसके लिए हमें चाहिए लगभग 1 लीटर दूध, साथ में मैंने लिए हैं 6 टेबलस्पून शुगर, 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और एक फ्रूट्स, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है फ्रूट्स वो आप लीजिए। जैसे मैंने बनाना लिया है, चीकू लिया है, अंगूर लिए हैं ग्रीन वाले, काले वाले अंगूर और थोड़े से अनार के दाने और ऑरेंज। ऑरेंज को मैंने सीडलेस करके रखा है, बीच में से बीज निकाल के इनके पीस कर लिए छोटे, और अंगूर को भी मैंने थोड़ा सा काट के छोटा कर लिया है। जो भी फ्रूट्स आप डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन अमरूद जैसी चीज ना डालें क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाता है, बीज होते हैं उसके अंदर। तो आप इसमें और चाहें तो कीवी डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं, एप्पल डाल सकते हैं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कस्टर्ड बनाना। तो सबसे पहले हमें कस्टर्ड बनाने के लिए दूध को बॉयल करना होगा, लेकिन इस दूध को बॉयल करने से पहले थोड़ा सा दूध मैं कस्टर्ड में डालूंगी और इसको कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से घोल लेंगे ताकि इसके अंदर गुठली ना रहे। दूध हमने रख दिया है गैस पे और लगभग 3-4 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर के अंदर दूध निकाल के डाल दिया, ठंडा दूध, और इसे हम अच्छे से घोल लेंगे, इसमें गुठलियां ना रहे ये ध्यान रखेंगे। दूध के अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर। ये लगभग 6 डिजर्ट बॉल्स जो है वो कस्टर्ड बनेगा, तो मैंने 6 टेबलस्पून इसमें चीनी डाली है। दूध को बॉयल आने तक हमें गर्म करना है। दूध बॉयल हो रहा है, ये मैंने कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से घोल के रख लिया, बिल्कुल भी इसमें गुठलियां नहीं है। दूध को थोड़ा हिलाते रहिए क्योंकि इसमें चीनी है, तो थोड़ा सा इसे हिलाते रहिए ताकि नीचे लगे ना और जल्दी से इसमें बॉयल आ जाएगा। मैंने कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल जो हम नॉर्मल हमारे जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना घर में, वो मैंने टेबलस्पून जो है वो 4 टेबलस्पून लिए हैं। और अगर आपको लगे कि कस्टर्ड बहुत गाढ़ा हो रहा है या कम गाढ़ा हो रहा है तो आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। तो कस्टर्ड बिल्कुल सही बने उसके लिए ये है कि जैसे मैंने अभी आपको जो अंदाज बताया है ये भी आप एकदम से ना डालिएगा। दूध की थिकनेस क्या है आपकी, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है कि कस्टर्ड आपका कितना गाढ़ा बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे हम और साथ साथ हिलाते रहेंगे। और फ्रूट कस्टर्ड के लिए बहुत गाढ़ा कस्टर्ड नहीं चाहिए, बहुत पतला कस्टर्ड नहीं चाहिए हमें। दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है, गैस को बिल्कुल कम कर देती हूँ। और अब हमने जो कस्टर्ड इसमें घोल के रखा था वो हम थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे और इसे बराबर हिलाते जाएंगे। बराबर हमें हिलाना है ताकि कस्टर्ड जो है वो नीचे लगे नहीं, और थोड़ी देर तक इसे हम पकाएंगे। थोड़ा सा दूध लेके कटोरी में डाल लेंगे और वापस इसमें से निकाल लेंगे कस्टर्ड पाउडर और इसको हिलाएंगे। ये जो मैंने आपको अंदाज बताया है ये बिल्कुल सही अंदाज है, इसमें हमारा कस्टर्ड जो है बहुत क्रीमी क्रीमी बनता है, ना पतला ना गाढ़ा, बहुत ही अच्छा कस्टर्ड बनता है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हमें लगभग 2 मिनट तक कस्टर्ड पाउडर को पकने देना है दूध के साथ, और उसे बिल्कुल कम आंच पे इस तरह से हमें बराबर हिलाते हुए पकाना है। आप चाहें तो इस टाइम शुगर थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि शुगर कम है तो थोड़ा सा इसमें और ऐड कर सकते हैं। लगभग 2 मिनट हो गए हैं, मैं बराबर इसको हिला रही हूँ और कंसिस्टेंसी देखिए, ये इस तरह से हमारा कस्टर्ड बनके तैयार हुआ है। और ये अभी थोड़ा पतला लग रहा है, ठंडा होके ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो गैस को मैं कर देती हूँ बंद क्योंकि हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है, और कस्टर्ड को हम ठंडा होने देंगे और हल्का सा गर्म रहेगा, उस टाइम हम इसे दोबारा एक बार फेंटेंगे, फिर अपना पुडिंग ट्रे तैयार करेंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं और कस्टर्ड हमारा पहले से कुछ ठंडा हो गया है, ज्यादा ठंडा नहीं हुआ है लेकिन कुछ ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे अपनी पुडिंग ट्रे में डाल देते हैं जिससे थोड़ा सा जल्दी ठंडा होएगा, और साथ में हम लेयर्स बना देंगे फ्रूट्स की। ये जो मेथड है ये बिल्कुल सिंपल मेथड है कस्टर्ड बनाने का। थोड़ा सा हम कस्टर्ड डाल देते हैं इस एक मैंने ग्लास का बोल ले लिया है स्क्वायर शेप में। बचपन में मम्मी हमें इस तरह से फ्रूट कस्टर्ड बना के खिलाया करती थी,
और वो दिन बहुत अच्छे से हमें याद है, इतना एंजॉय करते थे हम सिंपल सिंपल इन चीजों को, और ये तो हमारे लिए बड़ा एक लग्जरी आइटम होता था उस टाइम, और बड़ी झट से बन जाया करता था। कभी पता लगता था कोई गेस्ट आने वाला तो फट से मम्मी हमें ये कस्टर्ड बना लेती थी। सारे फ्रूट्स की हम इसमें लेयर डाल देंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप खाना चाहते हैं। तो मैंने इसमें दोनों तरह के अंगूर, चीकू, यार ये मैं बनाना डाल रही हूँ इसमें। साथ में हम डाल देंगे थोड़ा ऑरेंज, ऑरेंज को मैंने बीज निकाल के रखा है, छोटे छोटे इसके स्लाइस कर लिए हैं। इसमें डाल देंगे हम खूब सारा अनार, अनार बहुत ही अच्छा लगता है कस्टर्ड के साथ। आप चाहें तो इंडिविजुअल बोल्स में भी आप फ्रूट कस्टर्ड को सर्व कर सकते हैं, और इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा कस्टर्ड डाल देंगे, और इसके ऊपर हम फिर से डाल देंगे फ्रूट्स। तो इसमें वापस से मैं डाल देती हूँ ऑरेंज और ग्रेप्स। ग्रेप्स मैंने काले और हरे दोनों तरह के लिए हैं। फ्रूट कस्टर्ड इतना कलरफुल लगता है ना, ये देखते ही मन करता है कि इसे हम खा लें। सर्व किया हुआ इतना अच्छा लगता है, खाने में बड़ा अच्छा लगता है। इसे आप जरूर थोड़ा सा ठंडा करके सर्व कीजिए, थोड़ा सा चिल्ड होता है तो बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में आप अगर खाते हैं ना तो आप रूम टेम्परेचर पे भी इसे खा सकते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा ठंडा कस्टर्ड हल्की सी गर्मी वाले मौसम में बहुत अच्छा लगता है। और अब ये सारे मेरे फ्रूट्स डाल दिए, और ये मैंने थोड़े से लंबे पीस काट के रखे थे, मतलब हाफ कर लिया था काले वाले अंगूर को, वो मैं इसमें थोड़ा सा लगा देती हूँ साइड में, थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा। जैसे भी आप चाहें डेकोरेट कर सकते हैं, और इस काम में आप अपने बच्चों की मदद लें, बहुत एंजॉय करेंगे बच्चे भी साथ में। वापिस हम थोड़ा सा अनार इसमें डाल देते हैं, ऑरेंज के स्लाइसेस हम थोड़े से ऊपर डाल देते हैं। पता लगना चाहिए कि हमने सारे फ्रूट्स इसमें यूज किए हैं। थोड़ा बनाना रख देंगे, और कस्टर्ड जब आप बनाते हैं तो जिस दिन आप बनाएं उसी दिन आप कंज्यूम करें, इसे रखिएगा नहीं, नहीं तो ये अच्छा टेस्ट नहीं देगा। तो लीजिए हमारा इतना टेस्टी कस्टर्ड बनके तैयार, बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छा हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार है। इसे अब हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए, और ये ठंडा होके थोड़ा सा क्रीमी और ज्यादा हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बना हुआ ये फ्रूट कस्टर्ड है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शुगर की जगह मिल्क मेड ऐड कर सकते हैं, इसे और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए आप इसमें थोड़ा सा क्रीम ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल कस्टर्ड बना के देखिए, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो आप ये फ्रूट कस्टर्ड बनाइए, खाइए, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर मुझे बताइएगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए, सोनिकाज कुकबुक को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोनिकाज कुकबुक।